दोस्तों विप्रो में चल रही है हायरिंग जो कि डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस के लिए साइट है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो और सलाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों विप्रो में जैसे मैंने आपको बताया हायरिंग चल रही है डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस के लिए, तो अब मैं आपको वन बाय वन साइट देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन बनता और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपका जो यहाँ पे काम रहने वाला है वो खाली वॉइस का रहने वाला है, यहाँ पे चैट प्रोसेस आपका कुछ नहीं आने वाला है। दोस्तों पार्ट वन की बात करते हैं जो कि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले देखिए दोस्तों फ्रेशर्स ये एक्सपीरियंस दोनों लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस अगर आपके पास 3 साल या 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा। अगर 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो इस जॉब के लिए अप्लाई मत करिएगा। सेकंड दोस्तों आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ओरल और रिटन दोनों, यानी कि बोलना भी अच्छे से आना चाहिए और लिखना भी अच्छे से आना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों। थर्ड दोस्तों आपको अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, कैसे कस्टमर की क्वेरीज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और उसको एफिशिएंट रेजोल्यूशन देना है। लास्ट दोस्तों आपने ग्रेट एबिलिटी आपने होनी चाहिए कस्टमर की सर्विस को, उसके कैसे क्वेरीज को हैंडल करना है, कैसे क्वेरीज को सॉल्व करना है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट की बात करो आपके गुड टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, और फिफ्थ पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों आपको 24/7 वर्क एनवायरनमेंट में काम करना आना चाहिए। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ये आपकी रहने वाली है, यानी कि आपको 3 महीने का यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी विप्रो की तरफ से दिया जाएगा, तो 3 महीने के बाद आपको इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा। सेकंडली दोस्तों आपके यहां पे 6 डेज वर्किंग रहने वाला और आपको यहां पे 1 वीकली ऑफ मिलने वाला है। प्लस दोस्तों यहां पे सबसे अच्छी बात यह कि इस कंपनी को इमीडिएट ज्वाइनर्स की जरूरत है, यानी कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है आपको उसी दिन या फिर अगले दिन से आपकी ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है। दोस्तों पार्ट थर्ड की बात करते हैं जो कि हमारा एजुकेशन या फिर की क्वालिफिकेशन। सबसे पहले देखिए दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड दोस्तों जो वर्क लोकेशन रहने वाला है वो है ग्रेटर नोएडा या फिर लखनऊ, इन दोनों में से कोई भी कंपनी कोई भी लोकेशन पे आपको भेजा जा सकता है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो अगर आप फ्लेक्सीबल हो आप दोनों जगह पे यहाँ पे जा सकते हो तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों लास्ट पार्ट की बात करते हैं कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको यहां पे क्लियर करने वाला हूं कि ये जो कंपनी में हायरिंग चल रही है यहां पे वॉक इन इंटरव्यू आपका नहीं रहने वाला। और सेकंडली दोस्तों मुझे कोई भी कंपनी के एचआर का नंबर यहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया, बट इससे एक और अच्छी बात यह है कि दोस्तों मेरे पास 3 या 4 एचआर की ईमेल आईडी ऑफिशियल जो कि मुझे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई है और उन पर आप अपना रिज्यूम लेटेस्ट वाला भेज सकते हो। तो दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर 3 या 4 ईमेल आईडी में आपको एचआर के ऑफिशियल देने वालों जिनके एट द एंड लिखा होगा @vipro.com, यानी कि ये ऑफिशियल कंपनी की हायरिंग है, यहां पे कोई भी कंसल्टेंसी वाले आपसे चार्जेस नहीं लेने आने वाले हैं, डायरेक्ट आपकी हायरिंग एचआर से बात होगी आपकी और फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। आपको रिवर्ट बैक आने में दोस्तों 1 या 2 दिन लग सकता है, और ऐसा नहीं कि आपको जरूरी रिवर्ट बैक आएगा क्योंकि बहुत से लोग विप्रो में हायरिंग के लिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होने वाला है, उनको लगेगा कि भाई ये सच में जो कैंडिडेट उनके पास आया वो डिजर्विंग है, तो ही आपको रिवर्ट बैक आएगा और फिर आपका 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैंने आपको साइट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर दोस्तों इसको लाइक करेगा और पसंद तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करेगा। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है किसी भी चीज को लेकर दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।